हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम टीचर ऑफ क्लास थर्ड। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी चैप्टर 5 पार्ट 1। चलिए आज हम चैप्टर 5 रीड करने वाले हैं, देश का लाल लाल बहादुर शास्त्री। चलिए, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के एक साधारण परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुगल सराय के एक साधारण परिवार में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 में। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम राम दुलारी देवी था। पिता का नाम क्या था? शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम दुलारी देवी। उनके पिता का एक स्कूल सॉरी उनके पिता एक स्कूल में निर्धन शिक्षक थे। कैसे शिक्षक थे? निर्धन मतलब स्कूल में एक शिक्षक थे, लेकिन समाज में उनका आदर था। लाल बहादुर शास्त्री की उम्र 2 वर्ष की भी नहीं थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। निधन मतलब वो समाप्त हो गए, डाइड हो गए थे वो, ठीक है। इस घटना से उनका परिवार बहुत संकट में आ गया। उनकी माँ अनेक कष्ट सहकर किसी तरह गुजर बसर करती रही। उसी समय की एक घटना है, लाल बहादुर एक स्कूल में पढ़ते थे। रास्ते में एक बाग था जो फलों से लदा था, मतलब उसमें बहुत सारे फल लगे हुए थे। एक दिन बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, उन्होंने देखा बाग में माली नहीं है। बच्चे ठहरे चुपके से बाग में घुस गए और फलों पर टूट पड़े। उसी समय माली आ गया, उसे देखकर बच्चे भाग निकले। लाल बहादुर शास्त्री छोटे थे, भाग ना सके, माली की पकड़ में आ गए। जब माली ने धमकाया तो रोने लगे। माली का दिल पसीज गया, बोला तुम बिना बाप के हो, तुम्हें तो दूसरों से अच्छा लड़का बनना चाहिए, जाओ फिर कभी चोरी मत करना। ये बात लाल बहादुर शास्त्री के दिल में घर कर गई, मतलब उनको पसंद आ गई। उन्होंने तभी प्रण लिया कि एक अच्छा लड़का बनना है। उसके बाद लाल बहादुर एक बहुत अच्छे इंसान बने। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका नाम बनारस के हरिश्चंद कॉलेज में लिखाया गया। कहाँ के कॉलेज में? हरिश्चंद कॉलेज में, ठीक है, बनारस का था। जब वे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तब उन्हें महात्मा गांधी का भाषण सुनने का अवसर मिला। गांधी जी के सादे जीवन और देश प्रेम का लाल बहादुर शास्त्री पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसके बाद उनके मन में भी देश के लिए कुछ करने की लगन पैदा हो गई। लगन मतलब इच्छा पैदा हुई, है ना। कुछ दिन बाद गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ दिया, यानी कि चालू कर दिया। बहुत से लोगों ने सरकारी नौकरियाँ छोड़ दी। स्कूल कॉलेजों के छात्र पढ़ाई लिखाई छोड़कर गांधी जी के पीछे चल पड़े। लाल बहादुर भी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए। जब आंदोलन समाप्त हो गया तब तो लाल बहादुर ने काशी विद्यापीठ में अपना नाम लिखवा लिया। वहाँ से उन्होंने शास्त्री की परीक्षा प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट डिवीज़न पास की। इसके बाद वे लाल बहादुर शास्त्री कहलाने लगे। फिर इसके बाद उनको नाम क्या हो गया? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का विवाह ललिता देवी के साथ हुआ। किसके साथ? ललिता देवी के साथ। अपने विवाह में उन्होंने दहेज में केवल 2 चीज़ें स्वीकार की थी, एक चरखा और एक थान खादी का कपड़ा। इससे उनके महान जीवन आदर्श का अनुमान लगाया जा सकता है। लाल बहादुर शास्त्री का पूरा समय देश सेवा में बीतता था। आज़ादी के आंदोलन में वे कई बार जेल गए। जब देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने उत्तर प्रदेश और केंद्र में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। जब एक बार वे जेल मंत्री थे तो एक रेल दुर्घटना में सॉरी जब एक बार जब वे रेल मंत्री थे तब तो एक रेल दुर्घटना हो गई जिसमें अनेक लोगों की जानें चली गई। इसके लिए उन्होंने अपने आप को जिम्मेदार माना और अपने पद से त्याग पत्र मतलब रिजाइन दे दिया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इस घटना की आज भी मिसाल दी जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद वे देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय हमारे देश में अनाज की भारी कमी थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल नहीं घबराए और बड़ी सूझबूझ से उस संकट का सामना किया। उन्होंने देशवासियों से कहा कि सब लोग सप्ताह में एक दिन का उपवास रखें। देश में लोगों ने उनकी बात को सिर आंखों पर लिया और अपने देश का सिर नहीं झुकने दिया। 1965 में पाकिस्तान की सेना ने भारत पर हमला कर दिया। भारत की सेना ने पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया और उसे दूर तक पीछे धकेल दिया। बाद में रूस की कोशिश से ताशकंद
ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। ताशकंद एक जगह का नाम है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान में समझौता हुआ 11 जनवरी 1966 को। जब वे वहाँ से लौटने की तैयारी कर रहे थे उसी रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन बहुत सादा था। वे सादा भोजन करते थे और सादगी से रहते थे। उनका दिया हुआ यह नारा आज भी अमर है, जय जवान जय किसान। भारत के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने देश के लोगों को कठिनाइयों से जूझना और जीतना सिखाया। सचमुच वे एक महान नेता थे। आज हमने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में थोड़ी सी बातें सीखी थी, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज होगी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।